रिजाइन देने के बाद तो बेरोजगारी हो गए थे ना, तो फिर से आज रोजगार हो जाएंगे। बुक भी मिल गई है पॉइंट्स मैन की, और सारे लोग पॉइंट्स मैन है। और जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है, स्वागत है फिर हमारे चैनल के नए ब्लॉग में। तो दोस्तों चेकआउट कर दिया है, अब यहाँ से चलते हैं। और आज मेरे लिए बहुत ही बेहद ही खास दिन है, क्योंकि आज आपका भाई फिर से रोजगार हो जाएगा, मतलब रेलवे एम्प्लॉय हो जाएगा। रिजाइन देने के बाद तो बेरोजगारी हो गए थे ना, तो फिर से आज रोजगार हो जाएंगे। जब मैं आज की आज रिपोर्टिंग है मेरा ट्रेनिंग सेंटर के लिए, ट्रेनिंग सेंटर जा रहे हैं, सेफ्टी कैंप ट्रेनिंग सेंटर। लेटर मिल चुका है हमको, चलते हैं। टाइम 10 बजे का है लगभग, अभी तो टाइम 9 बजे का है, तो फटाफट से उठे हैं, रेडी वगैरह हो गया है, और नाश्ता करेंगे थोड़ा सा, फिर उसके बाद चलेंगे स्टेशन के पास में ही है सेफ्टी कैंप, चलते हैं पता करते हैं। दोस्तों बाहर निकले हैं, मौसम भी एकदम मस्त सुहाना हुआ पड़ा है, देख सकते हैं। देख रहे हैं अपने को जेरोक्स सेंटर, क्योंकि अपने को एक कॉपी जेरोक्स करानी है, मिल जाए शायद आगे है, मुझे याद है देखा था मैंने। और भाई सामने देख रहे हैं अपने देश की आन बान शान, कितना ही खूबसूरत लग रहा है। चार कॉपी कर दीजिएगा। एक अंकल मिले हैं यहाँ पे, थोड़ा खाली था इधर, तो भीड़ लगा हुआ है, एक अंकल यहाँ पे खाली थे, सोचा यहीं फटाक से करा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए। 9 बजने वाला है, थोड़ा नाश्ता वगैरह भी कर लेंगे, उसके बाद चलेंगे रिपोर्टिंग करने के लिए। चलिए दोस्तों चलते हैं स्टेशन पर, क्योंकि स्टेशन के पास में ही शायद बताया था कल ऑफिसर ने, स्टेशन के पास ही है। और धनबाद जंक्शन कुछ बाहर से इस तरह से दिखता है। तो दोस्तों ये रहा सामने सेफ्टी कैंप, हिंदी में लिखा है सुरक्षा शिविर, इसी में हमको जाना है अंदर और रिपोर्ट करना है यहाँ पे। और हम बाहर, बारिश भी चालू हो गई है हल्की हल्की, चलते हैं आराम। फाइनली दोस्तों हो चुकी अपनी रिपोर्टिंग ट्रेनिंग सेंटर में भी, आज एक दिन का क्लास भी कर लिया है, और ये हमको बुक भी मिल गई है पॉइंट्स मैन की। और कल संडे है, तो अब प्लान है, एक्चुअली में क्या कि घर से बस ऐसी बैग लेके और डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ लेके बस चले आए थे, और ना शूज है ना ज़्यादा कपड़े भी ज़्यादा नहीं है, तो निकलेंगे शाम को है, 4 बजे ट्रेन है आने वाली है, और अभी जस्ट छूटे हुए हैं क्लासरूम से, अब तो चलते हैं घर सीधे। 4 बजे के आसपास, 4:30 बजे ट्रेन आएगी, उसी को पकड़ लेंगे, तो चलते हैं। तो दोस्तों चलते हैं प्लेटफॉर्म पर, वहीं पे वेट कर लेंगे। एक्चुअली में टाइमिंग तो उसका 4 बजे का था, लेकिन 1 घंटे लेट है, तो वेट कर लेंगे। अब देखते हैं कौन सा प्लेटफॉर्म पे आएगी, इस पर आएगी तो ठीक है, नहीं किसी और पे आएगी तो उस पर जाना पड़ेगा फिर। आ चुके हैं स्टेशन पे, मेरे साथ में मित्र लोग ये भी ड्यूटी करते हैं। आपका नाम क्या है? अरे मस्वानी, आप तो जानते ही हैं, सारे लोग पॉइंट्स मैन हैं, और ये लोग हमसे पहले आ चुके थे ट्रेनिंग सेंटर में, और आज मेरा पहला दिन है। ये लोग साथ ही में सेम ट्रेन पकड़ेंगे, और ये लोग गया तक जाएंगे, और हमको जाना है मुगलसरा दिल्ली उनकर। चलिए चलते हैं, फिर मुलाकात होगी आपसे फिर। तो फाइनली दोस्तों आ चुकी अपनी ट्रेन दुर्गियाना एक्सप्रेस, देखते हैं सीट मिल जाए किधर। दोस्तों मिल चुकी अपने को सीट, बहुत ज़्यादा थक गया है।
देख सकते हैं टनल के अंदर से जा रहा है। दोस्तों वो देख रहे हो पहाड़ी की चोटी पर एकदम ऊपर जूम करता हूँ शायद दिख जाए आपको मंदिर बना हुआ है। मैं सोच रहा हूँ कैसे वहाँ पे मंदिर बनाया होगा, क्या ही मतलब एकदम पहाड़ की चोटी पर। और अंधेरा हो चुका है और गया आने वाला है, 44 किलोमीटर अभी बचा हुआ है, गया आएगा उसके बाद हो सकता है बारिश भी शुरू हो जाएगा। क्या ही खूबसूरत दृश्य है। दोस्तों पहुंच चुके हैं सासाराम, अब एक घंटे बाद लगभग 100 किलोमीटर है यहाँ से मुगलसरा, पहुंच जाएंगे। दोस्तों आउटर में आके खड़ी हो गई है, शायद सिग्नल क्लियर नहीं है, अब तक तो पहुंच गया होता है स्टेशन पे, लेट हो गया अब, लग रहा लेट होगा। घर पहुंचते पहुंचते लगता है 10:30 हो जाएगा या 10:40 हो जाएगा। मैं सोच रहा था कि 10:20 तक घर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि स्टेशन से मेरा ज़्यादा घर दूर है नहीं, 2-3 किलोमीटर तीन चार किलोमीटर दूर है। तो ये है मुगलसराय यार्ड, और आपको पता ही होगा मुगलसराय यार्ड एशिया का सबसे बड़ा यार्ड, 12.5 किलोमीटर लंबा है। मतलब जो हिस्ट्री वगैरह या कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको पता ही होगा। 10 मिनट के बाद दोस्तों फिर से स्टार्ट हो गई है ट्रेन, पहुंच जाएंगे 1 मिनट में स्टेशन पे। वो पास में ही दिख रहा है स्टेशन, वो रोशनी दिख रही है। लो जी लो दोस्तों पहुंच गए अपने शहर मुगलसराय डीडीओ नगर। दोस्तों पहुंच तो गए लेकिन यार्ड में ही रोक दी थी 10-15 मिनट, इस वजह से आधा घंटा और लेट हो गया है। अब घर पहुंचते पहुंचते लगभग 11 बज जाएगा, क्या कर सकते हैं, चलते हैं। पापा भी आ चुके होंगे, बाहर ही वेट कर रहे हैं, देखते हैं कॉल करते हैं। दोस्तों फाइनली कल रात में ही घर पहुंच गए थे, एक्चुअली स्टेशन से निकलने के बाद बारिश बहुत तेज से शुरू हो गई थी, बहुत तगड़ी बारिश शुरू हो गई थी, तो इससे कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और अभी वीडियो एडिटिंग करने बैठा तो वीडियो एंड ही नहीं किया था, तो फिर वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टिल देन बाय बाय। और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।